मेरे मरण तो बाद इना पंजा दा कोई हल किया जावे। मेरा घर पट्टन च एक पंजे हकदार ने, ठीक है, मेरी घरवाली नू इन्हां ने पिछे ला के सारा काम किया। मैं आत्मा हत्या करनी नहीं सी, पर मैनू पुलिसां ने मजबूर करता आत्मा हत्या कर ला, क्योंकि मेरी घरवाली दी उत्थे सुनी जांदे आ घरवाली दे पिछे लग के मेरे इन्होंने जेल च किया, मैनू कुटिया मारिया। मैनू ASI कुलविंदर सिंह कहिंदा मैनू 50,000 रुपया दे, तेरा काम हो जूगा। मेरे कोई सबूत नहीं हैगा, इन्होंने मैनू कुटिया। उहदे विच इन्हां दे जिहड़े उत्थे थाने दे बाहर वह लगे आ कैमरे, उन्हां च तुसीं चैक कर सकदे हो, ठीक है जी। इन्होंने मैनू उस मोनू खिंडे नूं मैं फोन करके घरों गया तो बाद मैं मानना नहीं सीगा, पर मैं उन्हूं मानना पै रहा है। मैं फांसी लै रहा हाँ, पर मेरी एक भी गल थाने वाले नहीं सुनते पे। मेरा कसूर दसन एक की है, मैं उन्हूं घर वाले ले आया, मैनू कहिंदी 2 दिन बाद जाऊँगी, मैं बीमार हाँ, 2 दिन बाद जाऊँगी मैं थाने च तेरे नाल। मैं क्या जी, मैं ठीक हाँ, मैं परचा कैंसल कराऊँगा जड़ा मैं लिखाया होया। पर इन्हें मेरी एक नहीं मनी, जो 2 दिन बाद इन्हें क्रेश शुरू कर लिया। क्रेश शुरू करन तो बाद मैं इन्हें एक कीती, बस मैं बाऊ नूं कह बैठा मैनू नहीं पता। इन्हें बस इन्नी गल कहण दी देर सी क्लेश शुरू इन्हें बस इन्नी गल कहण दी देर सी क्लेश शुरू कर लिया। कलेश दा मूँह काला, मैं दस की कर सकदा हाँ। मेरा तो कोई नहीं हैगा, ना मेरे घर दे, ना मेरा बाहर दे, ना मेरी घरवाली बनी, ठीक है। मैनू तो ये दसन मेरा कसूर की आ, सारी जान पताल करके मेरे ते एक्शन लै सकदे हो। जे मैं इनू कुटदा मारदा हाँ ना, मेरे ते परचा दे के मैनू अंदर करा सकदी आ। पर नहीं, मैं कुटदा मारदा नहीं सीगा। मेरे कोई भी सबूत पैदा कर दे भी ये मैनू कुटदा मारदा सी, पर देखो महल्ले च इन्हें मेरी बेइज्जती कराती आ, महल्ले वालिआं ने तो कहना ही आ। पर मैं कहना मैनू दस दिन मेरे सास सहुरा मेरे मामे कोई भी मेरे खिलाफ कोई भी कह दे भी ये बंदा गलत सीगा, पर मैं मान जूँ। पर मैं हुण मन नहीं सकदा, मैं इदां दा बंदा आ, मैं कीती मेहनत पूरी घरवाली नूं घरे लिआवां, पर नहीं आई। मैं बच्चियां करके अपने बहुत पैसा खराब कर लिया। मैं कहा भी बच्चियां करके चल घरवाली नूं ले आना, उही सांभ सकदी बच्चियां नूं। पर इन्होंने एक नहीं मनी। जदों थाने दे बाहर डाक्टर नूं मैं देखिया, डाक्टर दे नाल गल्लां करदी नूं मैं अपनी साली नूं देखिया, उत्थे कोई नहीं सी, मैं सी, ते मैं बहुत दूर खड़ा सी। डाक्टर कुछ कह के इन्हां नूं 5-10 मिनट चल गया, क्योंकि जे इहदी डाक्टर नाल गल्लबात नहीं सीगी, इहदा हक नहीं बणदा सी उत्थे आउण दा, डाक्टर दा थाने दे बाहर। महानगर लुधियाना के मोहल्ला अटल नगर के रहने वाले एक युवक की तरफ से पत्नी के चरित्र और संदेह होने के चलते पंखे से झूलकर आत्महत्या कर ली, जिसकी पहचान बलदेव राज 37 साल के तौर पर हुई। जब इस पूरे मामले पर संबंधित ASI के साथ बात की गई तो उन्होंने भी सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन पर लगाए जाने वाले आरोप सरासर गलत हैं। जब इस मामले पर इलाका ADCP रुपिंदर कौर सराह से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वह VIP ड्यूटी पर हैं, पर इस मामले में थाना टिब्बा में मामला दर्ज हो चुका है और आगे की जांच जारी है। लुधियाना से रामकृष्ण अरोरा की खास रिपोर्ट, देखते रहें इंडिया क्राइम न्यूज। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ।
सब तो पहला उसका नाम लिया वा, उस तो बाद उन्हें बाकी चारों का नाम लिया। वो कहता पंजा इंसाफ मिलना चाहिए मैं तो बस। कोई धक्के सैन भी करवाया कोई पुलिस ने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल डिप्रैशन सी मैं बॉडी रख के आया सी, बस थोड़ा चौंकी गए थे तो उन्होंने सैन करवाया। मैं उन्होंने कहा भी सी, मैं जी मैं सैन नहीं करने है जी, इतने गलत लिखा गया वा। वो कहते लड़ाई लड़ाई तो हो ही नहीं, उन्होंने तो अपने आप ही कपड़े पैर कर सुसाइड किया। हाँ जी हाँ, किदा किया सुसाइड? सुसाइड उन्होंने फांसी लै ली रात में 2-3 बजे फांसी लै ली उन्होंने, बड़ा तड़प तड़प के मरिया। कोई पैसे की भी मंग सी? हाँ जी हाँ जी, 50,000 रुपया उन्होंने पठानेदार ने मंगा सी जी। ठीक है जी, चलो जी हुण दसो तुसीं, देखो जी सानू कोई काज नहीं। हाँ जी सर, मेरा नाम सोमनाथ था, मैं अटल नगर रहना, तो मेरे भरा ने ना फांसी लै ली, घर वाले मतलब सही नहीं सी और पिछों ने फांसी लै ली, और 4 महीने तो ना थाने जा रहा, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सी। तो परसों पर मेरी भाभी वापस आ गई सी, तो उन्हें ना कल दोपहरे ना उन्हें ना एक दिन रह के ना अगले दिन ना अपने कपड़े पाड़ के ना थाने चली गई, थाने चली गई, उत्थे जाकर ने रिपोर्ट लिखाती कि मैंने कुटिया मारे, उन्हें अपने नूह नू मार ले बहुत ज़्यादा, तो उन्हें ना कहती मैंने कुटिया मारिया बहुत ज़्यादा। तो उस तो बाद उन्हें जी पुलिस वाले ने जी मेरे भरा अंदर करता जी, अंदर करता, छड़ाने वाला कोई भी नहीं, कोई नहीं गया छड़ाने उन्हें। मेरा मामा गया बाद 11:30 बजे मतलब, वह उन्हें बाद छड़ा छड़ू के लिया, कहते मैंने बहुत कुटिया, मैंने जेल च भी किया, उन्होंने जेल च नहीं करना चाहिए, उन्होंने कुटना भी नहीं चाहिए सगा। तो ना उस तो बाद उन्होंने 50,000 रुपया मंगया, ए एस आई ने कुलविंदर ने, ये अपना टिब्बा थाना जी। हाँ जी, तो उस तो बाद उन्होंने 50,000 रुपया मंगया, उन्हें जी 5,000 रुपया दे के मतलब उतों का छुट गया, अगले दिन उतो 45,000 तक दे नहीं होना सीगा। तो एक दिन डॉक्टर जो चक्कर सीगा, भरा ने उन्होंने बाहर देख लिया से उसके नाल खड़ी ने, उतो बर्दाश्त नहीं होया, तो उन्हें पुलिस वाला कोई सुनता नहीं पिया, कहना मेरी 4 महीने सुनवाई रही है, उन्होंने स्पैशल मरण लगे इको गल कही है कि मेरी सुनवाई होनी चाहिए आ, वो स्पैशल रिकॉर्डिंग करके गया वा, 5 जने का नाम लै के गया। सब तो पहला उन्हें कुलविंदर ए आई सी का नाम लिया, कि मैंने 4 महीने हो गए ने मैंने वे पिछे घूमते, इन्हें मेरी कोई नहीं सुनी, बस उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए वा, बॉडी उत्थे तो उत्थे ही बेच रहनी, असं लैके नहीं आनी। जो सुसाइड किया लिखा गया की बोलिया गया जो को रिकॉर्डिंग आई है, उन्हें यही बोलिया कि मैं इन्हें पंजा दुखी होकर सुसाइड कर रहा वा, मेरी कोई सुनवाई नहीं की इन्होंने, सानू इंसाफ दिता जाए बस। इंसाफ जो मंग रहे किस तरह? अब बच्चे देख लो जी, वो छोटे छोटे 2 बच्चे है, 2 ही मेरे है, मैं 4 बच्चे कि पाल लूंगा, वो तो जी उन्हें मशीन लाइया सी घरे पावर फ्लैट दी। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਆ ਜੀ। ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੀਤਾ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ 15 ਜਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਗੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੇ? ਸਾਰੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੋ ਰੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ? ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ?
हाँ जी डॉक्टर का मैं खैर इन्हें ना नहीं पता जी किराहे दस रहे कोई पहला भी इन्हों की मुलाकात हुई है अच्छा डॉक्टर भी साड़ी कभी जिंदगी मुलाकात नहीं हुई मेरा वो साला नहीं लगता मुलाकात हुई है किदा नहीं हुई या कौन मुलाकात कराने वाला इहदे बारे सानू कोई नॉलेज जिहड़े हुण सुसाइड करन दा कारण की समझदे हो तुसीं भी डिप्रेशन दे विच आके जिहड़ा जां उहने दी जदों उहने उहने अपनी बेइज्जती महसूस की है वो अपनी बेइज्जती की खातर जी कि जो ASI ने थप्पड़ मारे हाँ जी जबकि वह हक नहीं बनता थप्पड़ मारना ASI का किसी का भी किसी भी मुलाजम का हक नहीं बनता इन थप्पड़ मारना ठीक है कि नहीं कि मुजरम तो नहीं सी कोई क्राइम मैप तो नहीं किया इन्हें कोई जोड़ा ये थप्पड़ मारिया उन्हें कितने कितने दोषी ठहराने अपनी बेटी ने देखो जी मैं तो सारे बन्ने कह रहा भी हो सकता मेरी बेटी की कोई गलती हो मैं नहीं इस चीज़ मान लिया जेडे भी दोषी है उन्होंने दोषियों की मांग करते जी उन्होंने सजा होनी चाहिए जिन्हें भी कोई भी ऑडियो आई कोई भी जो नाम बोले उन्होंने तो कार्रवाई होनी चाहिए 100% ठीक है यार थोड़ा नाम आ रहा है वो थोड़े से कोई एलीगेशन लगा रहे है उनके बारे की यार की है मामला की है यार मैं आप नहीं पता भाई सारे एवं बदनाम करी जाते यार ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼।